मिलर टाइम्स में आपका स्वागत है, मैं असरार अहमद। उत्तर प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण कानून अब लागू होने वाला है। एक मसौदा तैयार हो गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनसंख्या दिवस पर इसका ऐलान किया कि उत्तर प्रदेश में अब जरूरत है कि जनसंख्या को नियंत्रण में किया जाए। लगातार वो कह रहे थे कि 2016 से हम इस पर तैयारी कर रहे थे, अब वक्त आ गया है कि इस पर कानून बनाया जाए। लेकिन साथ ही साथ विपक्ष ने इस पर सवाल उठा दिया है कि ऐसे समय में जब उत्तर प्रदेश में एक साल बाद अगले साल चुनाव होना है, ऐसे समय में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ऐसा कानून ला रहे हैं। लोगों से हालांकि इस पर राय भी मांगी गई है, 19 जुलाई तक टाइम दिया गया है कि लोग अपनी अपनी राय दें, उसके बाद एक साल बाद ये नियंत्रण कानून जो है वही मसौदा तैयार हुआ है, फिर एक्ट बन जाएगा। ऐसा कहा जा रहा है कि पार्लियामेंट के सेशन में इस बार वो बिल भी पेश किया जाएगा। तो हमारे साथ इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं, जो आपको फ्रेम में दिख रही हैं, शीबा असलम हैं। हम इनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले सवाल आपसे ये कि आप इस कानून को कैसे देखती हैं, और ऐसे समय में जब उत्तर प्रदेश में चुनाव भी होने वाला है। इसको देखने के दो तीन नजरिए हो सकते हैं। लीगल एक्सपर्ट्स ये कहते रहे हैं कि रूल बाय लॉ जो है वो एक खराब बैड पॉलिटिक्स है और डेमोक्रेसी के लिए ये अच्छा नहीं है। तो रूल बाय लॉ, चाहे वो लव जिहाद का मामला हो, चाहे वो ये मामला हो, चाहे वो कोई और दूसरा मामला हो, लगातार ये सरकारें जो हैं इस तरह से कानून बना करके और परसेप्शन बिल्ड करके सरकार चलाने की कोशिश कर रही हैं। ये तो कानूनी मामला है और डेमोक्रेसी का मामला है जो सामाजिक तौर पर है। तो हम सब जानते हैं कि ये एक सियासी मामला है और इस कानून के ज़रिए वो अपनी उस नाकामी को छुपाना चाह रहे हैं जो हमने पिछले 3-3.5 सालों में देखी है। एक मुकम्मल नाकाम सरकार चलाने वाले योगी साहब ये चाहते हैं कि ये परसेप्शन जाए कि देखो मैं बाकी सब जगह नाकाम हुआ तो क्या हुआ, लेकिन मुसलमानों की चूड़ी टाइट कर रहा हूँ, मुसलमानों को के साथ सख्ती कर रहा हूँ। और उन्होंने इसी के तहत पहले जो परसेप्शन आरएसएस ने बिल्ड किया था कि मुसलमानों के यहाँ ज़्यादा बीवियाँ होती हैं और ज़्यादा बच्चे होते हैं, उसी परसेप्शन की अगली कड़ी ये है कि हम ऐसा कानून लाए हैं कि अब मुसलमानों को बड़ी परेशानी हो जाएगी। असलियत ये है कि मुसलमानों को रत्ती भर परेशानी नहीं होने वाली है। भारत के समाज में फैमिली प्लानिंग अपनाने वाले सबसे तेज़ी से इस मामले में काम करने वाला समाज भारतीय मुस्लिम समाज है। हिंदुओं से भी ज़्यादा तेज़ी से भारतीय मुसलमानों ने फैमिली प्लानिंग को अपनाया है, और जो गैप उनका बाकी के समुदायों के साथ था फैमिली प्लानिंग के मामले में, उस गैप को वो बहुत तेज़ी से भर रहे हैं और साथ बराबर आ रहे हैं। तो भारत में इस समय फैमिली प्लानिंग सबसे तेज़ी से मुसलमान अपना रहे हैं। ये कानून आए या ना आए, फैमिली प्लानिंग के जो फ़ायदे हैं, ख़ानदानी मनसूबाबंदी के जो फ़ायदे हैं, उससे मुतासर होकर हिंदुस्तान के मुसलमान ये अपने आप ही कर रहे हैं। ये सरकार अगर ये चाहती है कि इस एक कानून के ज़रिए वो चुनाव जीत जाएं, तो ये तो हिंदू आवाम को तय करना है, उनके वोटर्स को तय करना है कि वो इस नफ़रत के और नेगेटिव एजेंडे पर इनको वापस लाएंगे या सवाल करेंगे कि उनके रोज़गार, उनके अस्पताल, उनके ऑक्सीजन, उनकी दवाओं का क्या हुआ। लेकिन यहाँ पर सवाल ये है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कानून लाया, लेकिन विश्व हिंदू परिषद ने ही इसका विरोध कर दिया है कि इस कानून में ऐसी चीज़ें हैं जिससे आगे मुश्किलात हो सकती हैं। तो अब क्या ये लागू हो सकता है, क्योंकि उनके ही सहयोगी है विश्व हिंदू परिषद, उसका विरोध कर रही है, तो इस पर क्या कहेंगे? देखिए, हेडलाइन मैनेजमेंट का काम हो चुका, 3 दिन से इस पर बहस हो रही है, हेडलाइन मैनेज हो चुकी है। अब हेडलाइन मैनेजमेंट के बाद किसी को तो संजीदगी से देखना पड़ेगा ना कि कानून क्या है। ये एक अंधा कानून है, ये कानून सिर्फ और सिर्फ दलित, आदिवासी और गरीब महिलाओं के खिलाफ है, ये दलित, आदिवासी और गरीब परिवारों के खिलाफ है, ये दलित, आदिवासी और गरीबों के आरक्षण के खिलाफ है। हर तरह से ये ख़राब कानून है। मुसलमानों को वो किन किन चीज़ों से वंचित करने जा रहे थे इस कानून के ज़रिए? वो मुसलमानों को नौकरियों से वंचित करते, MLA, MLC और कॉरपोरेटर नहीं बनने देते, वो तो वैसे भी नहीं है। तो मुसलमानों को आप पहले ही कौन सा बहुत कुछ आप दे रहे थे जो आप छीन रहे हैं। मुसलमानों पर रत्ती बराबर फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर कोई 5 मिनट भी लगाएगा, जहन लगा के सोचेगा इस मसले पर, तो उसको पता चल जाएगा कि ये कानून इस देश के बहुत बड़े बहुसंख्यक समाज को प्रभावित करने जा रहा है। लेकिन आपको नहीं लगता है कि लगातार जनसंख्या बढ़ती जा रही है, तो ऐसे समय में जब कानून लाया जा रहा है कि जनसंख्या को नियंत्रण में किया जाए, तो आपको नहीं लगता है कि ज़रूरी है कि कानून लाया जाए? मैंने पहले ही आपके सवाल के जवाब में ये कहा था कि इस देश के मुसलमान हों या कोई भी हों, फैमिली प्लानिंग इस देश में लोगों ने अपनी मर्जी से अपनाई है, क्योंकि उसके निजी फायदे हैं और उन निजी फायदों की वजह से अपनाई है। सरकार कोई इंसेंटिव नहीं देती है। सरकार ने
पूरे अपने कार्यकाल में एक झंडा एक पोस्टर इसके लिए नहीं लगाया, एक विज्ञापन नहीं दिया कि वो फैमिली प्लानिंग को प्रमोट करे, एक तरह किसी भी तरह की मरात नहीं दी कि फैमिली प्लानिंग प्रमोट हो। इसके बावजूद भारतीय लोग, चाहे वो किसी भी धर्म के हों और समुदाय के हों, फैमिली प्लानिंग अपना रहे हैं क्योंकि उसमें उनका निजी हित है। अगर अपने ज़ाती फायदे के लिए पहले ही लोग ये अपना रहे हैं तो इस पर ये बहस अब कम से कम 50 साल पुरानी है कि फैमिली प्लानिंग होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। भारत में इस पर एक राय है कि इस दौर में अभी हमें कम से कम अगले 20-25 साल तक एक फैमिली प्लानिंग की ज़रूरत है। जब नया दौर आएगा 20-25 साल के बाद, जो इसके नतीजे आएंगे रिप्लेसमेंट रेशो के ऊपर जब हम बात करेंगे, तो हम तय करेंगे दोबारा कि हाँ अब हमें एक परिवार में एक जोड़े से दो बच्चे चाहिए या तीन चाहिए, वो तब तय होगा। आज का भारत इस पर राजी है कि फैमिली प्लानिंग एक अच्छी चीज़ है, ये होनी चाहिए, और कोई नहीं चाहता कि किसी मुकाबलेबाजी में कि पड़ोसी के यहाँ ज़्यादा बच्चे हो रहे हैं तो हम इसलिए ज़्यादा बच्चे करें, कोई नहीं चाहता। बल्कि मुकाबलेबाजी ये है कि हमारा जीवन स्तर कैसे उठे, हम माशी तौर पे कैसे बेहतर हों, और फैमिली प्लानिंग उसमें बहुत बड़ा रोल अदा करती है। लेकिन क्या सियासी तौर पर ये इसको देखा जाए तो आगे आने वाले साल में उत्तर प्रदेश में चुनाव है, तो क्या इसके लिए योगी आदित्यनाथ ने कानून लाया ताकि हमारे पक्ष में कुछ वोट और आ जाए, जो कि नाकामियां हुई थी लगातार, कोरोना में लोगों की मौतें हुई और गंगा किनारे लोगों ने अपनों को दफनाया है, उनको जगह नहीं मिली, तो इन सारी चीजों को छिपाने के लिए ऐसा किया जा रहा है? बेशक, मैंने इसीलिए कहा कि एक मुकम्मल नाकाम सरकार है, उसके पास कुछ भी नहीं अपना रिपोर्ट कार्ड बताने के लिए जनता के आगे। ऐसे में वो क्या करे, ऐसे में उसके पास सिर्फ और सिर्फ उसको नफरत पे भरोसा है। भाईचारगी का एजेंडा ये चला नहीं सकते क्योंकि ये उनकी बुनियादों में नहीं है, तो नफरत का एजेंडा चलाएंगे। आपको याद होगा योगी साहब की चुनावी रैलियों में उनकी मौजूदगी में ये कहा जा रहा था कि अगर हम सत्ता में आएंगे तो मुसलमान औरतों को कब्र से निकाल के उनका हम रेप करेंगे। आपने देखा, रेप तो सबका हो रहा है, सिर्फ मुसलमान औरतों का नहीं हो रहा है, सबका हो रहा है। उन्होंने कहा था कि अगर मुसलमान कुछ भी कानून तोड़ेंगे या मुसलमान जो अपराधी होंगे हम उनको ठोक देंगे, एनकाउंटर करेंगे। आपने देखा एनकाउंटर सबका हुआ, सब ठोके जा रहे हैं। इसलिए ये सरकार चाहे कहे कुछ भी, लेकिन वो सबके लिए बराबर से नुकसानदेह है, और इसको छुपाने के लिए वो नफरत पे भरोसा कर रहे हैं कि नफरत की ताकत जो है उसके सीमेंट से ये अपने आवाम को जोड़ना चाहते हैं। अब ये हिंदू आवाम को खुद तय करना है कि क्या वो इन परसेप्शन से बेवकूफ़ बनने के लिए अभी भी तैयार हैं, क्या सिर्फ इसलिए कि मुसलमानों की चूड़ी टाइट हो रही है वो अभी इनको वोट देना देते रहेंगे। लेकिन देश में अपने स्वास्थ्य पे भी बात करेंगे। लेकिन देश में ज्यादा आबादी बहुसंख्यक की है, 83% है, और नौकरी में सरकारी नौकरी में वही लोग हैं, मुसलमान तो बहुत कम परसेंट में है। और ऐसा नहीं है कि जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं उनके पास दो से ज्यादा बच्चे ना हो, दो से ज्यादा बच्चे भी उनके पास है, तो ऐसे समय में क्या किस पर असर ज्यादा पड़ेगा? देखिए, जो बहुसंख्यक है बर्बाद भी वही ज्यादा होगा, बहुसंख्यक ही लोगों की संख्या है बर्बाद होने वालों की भी। जो नौकरियां नहीं मिल रही हैं वो उन्हीं के बच्चों को नहीं मिल रही हैं। मुसलमान तो एक ज़हनी तौर पे एक पसमानगी का शिकार थे, वो तो कोशिश भी नहीं करते थे, वो तो छोटे मोटे कारोबार, छोटा सा जिसको अब तो ये मुहावरा बन गया है ना, पंचर बनाने वाले, तो मुसलमान तो वो हिस्सा मांग ही नहीं रहे हैं। उनकी तो आपस की लड़ाई है, आरक्षण की भी जो लड़ाई है उनकी आपस की लड़ाई है। लेटरल एंट्री के जरिए और गरीबी के नाम पर आरक्षण के जरिए उन्होंने आरक्षण में अपर कास्ट को वो ले ही आए, ये सारे झगड़े उनके हैं। हम एक काम ये कर सकते हैं कि अगर हमें इस देश को बचाना है और हिंदू और मुसलमानों की एकता को कायम रखना है, इस मामले पर हम बेवजह परेशान ना दिखें, क्योंकि हम परेशान नहीं हैं, परेशान दिखें भी नहीं। और जब हम परेशान नहीं दिखेंगे, बल्कि हम इसका ये कह दें कि हम खुद ख़ानदानी मनसूबाबंदी के प्रोग्राम के साथ हैं, पूरे आलम में जहाँ जहाँ ये मसला है, मुस्लिम ममालिक में चाहे वो बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो, सब जगह बाकायदा मंत्रालय है और ख़ानदानी मनसूबाबंदी फैमिली प्लानिंग उसी तरह से लागू हो रही जैसे कहीं भी होती है। तो ना इस्लाम इसके खिलाफ है ना मुसलमान इसके खिलाफ है। अगर इस नफरत की सियासत को फ्रस्ट्रेट करना है तो फैमिली प्लानिंग का स्वागत करिए, तरीका क्या होगा इस पर पूरा समाज बहस करे, ये जरूरी है। लेकिन जो लोगों से राय मांगी गई उस पर समय नहीं दिया गया, सिर्फ 19 जुलाई का समय दिया गया है, तो आपको क्या लगता है कि और समय दिया जाना चाहिए? अगर समय जब लोगों से कहा गया कि आप राय दो तो उनको समय नहीं दिया गया, इससे मतलब कि आप तुरंत कानून लागू करना चाहते हैं? हाँ, समय देखिए, समय वो इसलिए नहीं देंगे कि समय देने में उनको कुछ खास बंदोबस्त करने पड़ेंगे।
उनको सबसे पहले आर्थिक स्तर सुधारने का बंदोबस्त करना पड़ेगा, उनको कैंपेन करने का बंदोबस्त करना पड़ेगा जिसमें पैसा खर्च होगा, और उनको बंदोबस्त करना पड़ेगा दूर दराज के क्षेत्रों में, ग्रामीण शहरी क्षेत्रों में पब्लिक हेल्थ सिस्टम को मजबूत करने का, क्योंकि यही तीन चीज़ें चाहिए हैं इफेक्टिव फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम के लिए, कि जब महिला पुरुष या कोई भी खानदान ये तय करे कि वो फैमिली प्लानिंग करना चाहता है तो उसके पास वो सारे तौर तरीके आसानी से उपलब्ध होने चाहिए, तो वो मुहैया कराने पड़ेंगे उनको। तो ये एक खर्च है जो जनता के ऊपर होना है। जनता पे ये सरकार खर्च कर नहीं रही है, हम आप जानते हैं। तो जनता पे खर्च करने के लिए अगर उनके पास ये सब होता कि आर्थिक स्तर सुधारते, शिक्षा का स्तर सुधारते और हेल्थ फैसिलिटीज़ को पहुँचाते महिलाओं तक, तो ये हो जाता और अपने इनको कानून नहीं लाना पड़ता, खुद ही हो जाता। आपको क्या लगता है, क्या मुसलमानों को इसका विरोध करना चाहिए जनसंख्या नियंत्रण? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल मुसलमानों को इसका विरोध नहीं करना चाहिए, एक्सपर्ट्स को इसका विरोध करना चाहिए, जो समाज शास्त्री लोग हैं उसको, जो फैमिली प्लानिंग के मामले पर काम कर रहे हैं, जो डेमोग्राफी के डिविडेंस पर काम कर रहे हैं उनको इसकी चिंता करनी चाहिए। एक मुसलमान अगर वो एक्सपर्ट है तो वो बात कर सकता है, अगर वो एक्सपर्ट नहीं है तो वो, उसको तो ये पता ही है कि फैमिली प्लानिंग अच्छी चीज़ है, अपने तरीके से बगैर अपने आप को नुकसान पहुंचाए, अपने घर की ख्वातीन को नुकसान पहुंचाए, वो फैमिली प्लानिंग अपना ही चुका है। तो सबसे ज़रूरी बात यह है कि ये देखें कि ये इन्होंने इस बार गेहूं के साथ घुन नहीं पिस रहे हैं, ठीक है, इस बार कुछ और हो रहा है, ये घुन का पिसने का मामला नहीं है। इस बार उन्होंने नफरत में एक ऐसा एजेंडा लाया है कि अगर एक दो दिन का वक्त लगा के कोई उसको इस पर गौर करेगा तो विरोध ही करेगा इसका। अच्छा, विरोध क्यों करना चाहिए, कुछ बताएंगे इस पर एक्सपर्ट इसका क्यों विरोध करें? जी, देखिए सबसे ज़रूरी बात यह है कि फैमिली प्लानिंग का इस तरह का तरीका जिसको आप चाबुक मार के कहते हैं, चाबुक मारने का तरीका सबसे ज़्यादा नुकसानदेह होता है महिलाओं के लिए, क्योंकि महिलाओं के शरीर के ऊपर ही ये पितृसत्ता ये बोझ डालेगी। मान लीजिए किसी घर में एक बच्ची पैदा हुई है, हिंदुस्तान में बच्चियों को लेकर के और बेटों की चाहत को लेकर के जो माहौल है, आप ये बताइए अगली बच्चा लड़का है या लड़की है इसकी टेस्टिंग बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? अगर दोबारा बच्ची पैदा होने वाली है तो उस कन्या भ्रूण हत्या होगी या नहीं होगी, क्योंकि दो ही बच्चे पैदा कर सकते हैं। अभी तक तो ये था चलो दूसरी नहीं तो तीसरी बार में बेटा हो जाएगा, अब तो बेटा लाजमी है, चाहिए ही चाहिए दूसरी बार में, तो अब कन्या भ्रूण हत्या भी होगी और जो माँ है उसके शरीर का कितना नुकसान होगा और वो कितने जुल्म सहेगी। और ऐसे में पुरुषों के जो फैमिली प्लानिंग के जो तरीके हैं वो ना अपना करके, उनकी सुविधाएं ना पैदा करके, सिर्फ और सिर्फ एक तरीका बचेगा, वो है मेडिकल टर्मिनेशन, या जिसको हम कच्चे अंदाज में, जिसको हम गाँव में जो होता है, जो दाई करती है, ये उसको बढ़ावा देगा और इससे हमारा सेक्स रेशो भी बिगड़ेगा। तो इस भारत में वैसे ही सेक्स रेशो ख़राब है, जेंडर सेक्स रेशो ख़राब है और वो और ज़्यादा बिगड़ेगा। तो जो हम लोग जो फीमेल हेल्थ पर और ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं की हेल्थ पर काम करते हैं और कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए काम करते हैं, मैं पूरे मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में कई जगह जाकर के हम लोग वर्कशॉप्स और ट्रेनिंग करते हैं, हमें पता है कि पितृसत्ता का जो बोझ है, जिसको पितरशाही उर्दू में कहते हैं, पितरशाही का जो बोझ है, ऐसे कानून सिर्फ उसी का बोझ औरत पे बढ़ाते हैं, महिलाएं ज़्यादा पिस जाएंगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे पास, हमारे गाँव में, दूरदराज के इलाकों में बिल्कुल सुविधाएं नहीं है, मतलब नज़ला ज़ुकाम के लिए भी सुविधाएं नहीं है। ऐसे में घर में दाई को बुला करके जो महिला की सेहत के साथ खिलवाड़ होगा वो उसकी सिर्फ आप कल्पना कर सकते हैं, ये बहुत भयानक होने वाला है। इसमें एक चीज़ और जोड़ना है कि इस पूरे कार्यकाल में जब योगी साहब ने इसको अपना एजेंडा और फोकस नहीं बनाया है तो अचानक वो कानून लेकर के आए हैं, इसमें उन्होंने किस तरह के बजट को एलोकेट किया है, क्योंकि बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। जब से इमरजेंसी ख़त्म हुई थी इंदिरा गांधी की लगाई, उसके बाद से नसबंदी का प्रोग्राम इतना ज़्यादा समाज में डिलेजिटिमाइज हो गया था, नापसंद हो गया था, कि लोगों से सरकारें, कोई भी सरकार हो, बाद की सरकारों ने इस पर सीरियस होकर बात ही नहीं की। वो तो भला हो कि लोगों में शिक्षा बढ़ी, जागरूकता बढ़ी, उन्होंने दुनिया को देखा और खुद फैमिली प्लानिंग अपनाई। इस वजह से जो फैमिली प्लानिंग के लिए जो भारत के अस्पतालों की बेसिक हेल्थ सिस्टम, पब्लिक हेल्थ सिस्टम की जो तैयारी होनी चाहिए थी वो ना के बराबर है, और ये भयानक स्थिति है महिलाओं के लिए।
तो क्या महिलाओं को खुलकर सामने आना चाहिए और इसका विरोध करना चाहिए, जैसा कि आपने कहा कि सबसे ज्यादा मुश्किलात जो होंगी वो महिलाओं को होंगी? गरीब महिलाएं, आदिवासी महिलाएं, दलित महिलाएं, ये तीन कैटेगरीज हैं और गरीबी हर कैटेगरी में है, कोई ऐसा नहीं है जहाँ नहीं हो, तो उनको ये सबसे ज़्यादा चुभने वाला है। और दूसरी बात ये है कि जहाँ पर बेटे को लेकर के बहुत ज़्यादा चाहत है, यानी कि 5 बेटियाँ हो जाती हैं एक बेटे की चाहत में, ऐसे समाज में महिलाएं कितनी नाकदरी का शिकार होने वाली हैं। इसलिए महिलाओं को ही अपने हित के लिए सामने आना पड़ेगा। हो सकता है कि कुछ नफरती जहन जो हैं वो इसके असर में आ गए हों और उनको लग रहा हो ये मुसलमानों के ख़िलाफ़ है, लेकिन ये एक साल में ही इसका पता चल जाएगा कि ये किसके ख़िलाफ़ है। तो मुझे तो पता है, मैं बात कर रही हूँ लोगों से, मुसलमानों में इस कानून को लेकर रत्ती बराबर फिक्र नहीं है, बिल्कुल फिक्र नहीं है। फिक्र जो है जहाँ होनी चाहिए वहाँ ये अब एक दो दिन में मेरे ख्याल से रिफ्लेक्ट होने लगेगी। बहुत शुक्रिया। ये थी सीबा असलम जो पूरे मामले पर बातचीत करी, बताएं कि कैसे इसका सामना करेंगी महिलाएं, किस किन मुश्किलात से उनको गुजरना पड़ेगा और समाज पर इसके क्या असरात मुरतब होंगे। जो लगातार देश में, जैसे कि योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि लगातार जनसंख्या बढ़ रही है, उसको नियंत्रण में करने के लिए कुछ करना पड़ेगा, लेकिन उसकी मुश्किलात भी किनको सामना पड़ना पड़ेगा, क्या खतरात उसके होंगे, तो शीबा असलम ने बताया। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़ी। बहुत शुक्रिया।